नमस्कार, ओम शांति। आपके साथ मैं शिवांगी। पेश है पीस न्यूज की खबरें नॉनस्टॉप। चंडीगढ़ सेक्टर 43 में चंडीगढ़ सर्कल प्रभारी बीके उत्तरा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता समेत समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने निराकार परमात्मा शिव का सत्य परिचय देते हुए उनके गुणों और कर्तव्यों की महिमा की। साथ ही विशिष्ट लोगों ने भी अपने सुंदर अनुभव सभी के साथ किए साझा। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान का कि मेरे को इतनी ट्रांसफॉर्मेशन की और इतना चेंज किया मेरे को, और अब मैं बिल्कुल रेगुलर हूँ। भव्य कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने प्रस्तुत की सुंदर नृत्य नाटिका। अंत में राजयोग कराने के साथ ही बीके सदस्यों ने रखे अपने विचार। राजस्थान के भरतपुर सेवा केंद्र द्वारा सजाई गई चैतन्य देवियों की झांकी। कर्नल अंशुमान श्रीवास्तव, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मूल सिंह राणा ने रखे अपने विचार। इस दौरान सभी अतिथियों को बीके कविता ने भेंट की ईश्वरी सौगात। परमात्मा शिव और शंकर के बीच महान अंतर की दी जानकारी। मुंबई के डोंबिवली सेवा केंद्र के द्वारा 3 शिव मंदिरों में शिव दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्कू, पुलिस इंस्पेक्टर घाटके समेत अनेक अतिथियों ने फहराया शिव ध्वज। पलावा के शिव मंदिर, डोंबिवली पश्चिम के शिव मंदिर और दीवा के महाताड़ेश्वर मंदिर में भी ब्रह्मा कुमारी द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का हजारों भक्तों ने किया अवलोकन। शिव अवतरण के रहस्य से हुए अवगत। यूपी के सादाबाद सेवा केंद्र पर तहसीलदार टोपे सिंह, लॉयंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अशोक कपूर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने उपस्थित लोगों को परमात्मा शिव की याद और उनके सत्य परिचय का बताया महत्व। कार्यक्रम से पूर्व निकाली गई शोभा यात्रा को इंस्पेक्टर जगदीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। अतिथियों को भेंट की गई छोरी सौगात। नेपाल में जनकपुर सेवा केंद्र पर प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, सांसद परमेश्वर समेत अन्य अतिथियों ने की शिव की महिमा। गुजरात में नवसारी सेवा केंद्र के द्वारा लुनसुकोई मैदान में कार्यक्रम। 60 फुट ऊंचे स्वास्तिक पर 84 शिव ध्वज तथा 84 दीपक सजाए गए। विधायक पीयूष देसाई, पूर्व मंत्री मंगू पटेल समेत सभी उपस्थित अतिथियों ने शिव ध्वज फहराकर परमात्मा को किया याद। कार्यक्रम से पूर्व सुंदर शोभा यात्रा का भी आयोजन। परमात्मा शिव और शंकर पार्वती समेत अनेक झांकियां शामिल। सेवा केंद्र पर भी पीआई मीता जोशी ने किया शिव ध्वजारोहण। तमिलनाडु के पुंथामल्ली सेवा केंद्र पर सहस्त्र शिवलिंग दर्शन का आयोजन। बीके पद्मावती, मांगाड़ू कामाची अम्मन मंदिर के पुजारी रवि, बीकेश्वरन समेत अनेक अतिथियों ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का उद्घाटन। स्कूली बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोगों ने किए शिवलिंग के दर्शन। आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान से हुए अवगत। महाराष्ट्र के पनवेल में ब्रह्मा कुमारी के हुतात्मा स्मारक रोटरी गार्डन में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिवरात्रि। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा समेत अनेक अतिथियों ने दी शुभकामनाएं। आगरा कॉलेज महाविद्यालय में पीपल मंडी सेवा केंद्र के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन। महापौर नवीन जैन, प्राचार्य डॉक्टर विनोद माहेश्वरी, भरतपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता, जोनल प्रभारी बीके शीला, पीपल मंडी सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता रही उपस्थित। अहमदाबाद के अंबावाड़ी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शारदा ने शिवरात्रि को बताया आध्यात्मिक रहस्य। हाई कोर्ट के जज जस्टिस बीपी पटेल, फादर संजीव सिल्वेन समेत अनेक अतिथियों ने फहराया शिव ध्वज। ओडिशा के अस्का सेवा केंद्र पर सांसद प्रमिला बिशोई, विधायक मंजुला स्वयं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राम रंजन शर्मा समेत अन्य अतिथियों को सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती ने परमात्मा शिव का सत्य परिचय देते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। रैली में संस्था से जुड़े लोगों ने लिया उमंग उत्साह के साथ हिस्सा। मुंबई के विक्रोली सेवा केंद्र के द्वारा राजश्री साहू महाराज मैदान में कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलिमा ने नगर सेवक उपेंद्र सावंत और पूर्व विधायक मंगेश सांगले को दी ईश्वरी सौगात। चैतन्य झांकियों का सभी ने किया अवलोकन। वसई में पूर्व महापौर नारायण मानकर, बोरीवली सबजोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा समेत अनेक अतिथियों ने एन इनर अवेकनिंग एक्सपो का किया उद्घाटन। शिव ध्वज भी फहराया। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम के साथ पदयात्रा का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति समेत अन्य विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में संपन्न। वहीं शाहदरा में विधायक जितेंद्र महाजन, निगम पार्षद अजय शर्मा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बलबीर, बीके अनुसुईया ने श्रेष्ठ संकल्प व श्रेष्ठ कर्म करने की कराई प्रतिज्ञा।
चेन्नई के अन्ना नगर सेवा केंद्र पर वरिष्ठ राज्यों शिक्षिका बीके कलावती, जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना समेत अनेक वरिष्ठ बहनों ने संपूर्ण पवित्र बनने का संकल्प लेते हुए परमात्मा शिव का फहराया ध्वज। इंदौर के छावनी में लॉयंस क्लब के पूर्व जिला गवर्नर रतनलाल गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, रेडियो कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके मधु ने ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण करने का किया आह्वान। खरगोन में शोभा यात्रा का आयोजन, विधायक झुमा सोलंकी, समाज सेवी नरेंद्र गुप्ता रहे मुख्य अतिथि। इंदौर के शिव शक्ति सरोवर रिट्रीट सेंटर पर क्षेत्रीय संचालिका बीके आरती ने कहा कि परमात्मा का संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति बीडी राठी ने भी श्रेष्ठ कर्म करने की दी प्रेरणा। आगे सारंगपुर में लगी भव्य झांकी का अपर जिला न्यायाधीश हिमांशु शर्मा ने किया उद्घाटन। विद्यानगर में बीके बहनों समेत अतिथियों ने रखे अपने विचार। पंजाब के बरनाला में बंसल एसोसिएट्स के आर्किटेक्ट राकेश बंसल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके ब्रिज ने जीवन में सुख शांति बनाए रखने के लिए प्रेम और सद्भाव रखने पर दिया जोर। आगे मौर मंडी में माउंट आबू से वरिष्ठ राज्यों प्रशिक्षक बीके भगवान ने रखे अपने विचार। आंध्र प्रदेश में छपरा सेवा केंद्र के द्वारा ईश्वरी संदेश फैलाने के लिए निकाली गई विशाल रैली। वहीं मेलियापुट्टी मंडल द्वारा आयोजित महोत्सव में 108 शिवलिंग, 108 कलश और 108 शिव ध्वज के साथ बीके सदस्य हुए शामिल। लखनऊ के आलमबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्या समेत अनेक सदस्यों ने कैंडल जलाकर सकारात्मक संकल्प करने के लिए प्रतिज्ञा शोभा यात्रा भी निकाली। वहीं खुर्शीदबाग सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्षद शशि गुप्ता, सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने केक काटकर व शिव ध्वज फहराकर मनाई खुशियां। यूपी के मिर्जापुर सेवा केंद्र के द्वारा नशा उन्मूलन तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नगर में निकाली गई रैली। जिले के मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कार्यक्रम में मिर्जापुर अमर उजाला समाचार के ब्यूरो चीफ जय इंद्रनाथ चतुर्वेदी, SDM उदय प्रताप रहे मुख्य रूप से उपस्थित। आगरा के शाहगंज में भी सांसद SP सिंह बघेल समेत अनेक बहनों ने स्वयं में श्रेष्ठ बदलाव लाने का लिया संकल्प। यूपी में टुंडला के रामनगर सेवा केंद्र के द्वारा कई गांव और शहरों में निकाली गई रैली सेवा केंद्र प्रभारी बीके विजय के नेतृत्व में संपन्न। नगला बलिया पाठशाला में भी आयोजन। आगे शिकोहाबाद में सभी बीके सदस्यों ने आत्मिक स्मृति के अभ्यास को पक्का करने का लिया संकल्प। जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड सेवा केंद्र के द्वारा अमरनाथ और सोमनाथ की सजाई गई झांकी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके फूल एवं बीके शील ने किया उद्घाटन। रूपवास में भी चैतन्य झांकी व प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रम का भी आयोजन। जयपुर के वाटिका मार्ग में सरपंच लोकपाल को प्रभारी बीके ज्योति ने दी ईश्वरी सौगात। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर नृत्य नाटिका के माध्यम से शिव और शंकर में बताया महानंतर। ईशनपुर में अतिथियों और बीके सदस्यों ने कर्मों की गुहे गति पर डाला प्रकाश। गुजरात में सूरत के मजूरा गेट सेवा केंद्र द्वारा लगाई गई सुंदर झांकी का कई विशिष्ट लोगों ने किया अवलोकन। राजकोट के शास्त्री नगर सेवा केंद्र के द्वारा शिव मंदिर में आयोजित प्रदर्शनी का अनेक धर्म प्रेमियों ने लिया लाभ। नोएडा के सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा निकाली गई पीस रैली में मुंबई से आई बीके दीपा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील समेत अनेक सदस्यों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बुराई को छोड़ने की कराई प्रतिज्ञा। हरियाणा के चरखी दादरी सेवा केंद्र द्वारा आध्यात्मिक कार्यक्रम व उपायुक्त श्याम लाल पुनिया ने संस्थान के कार्यों को सराहा। सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने श्रेष्ठ कर्म में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कही बात। आगरा के पीपल मंडी में आर के कपूर मेमोरियल टूर्नामेंट राज्य स्तरीय क्रिकेट का आयोजन। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता भी हुई आमंत्रित। अंडर-19 भारतीय टीम के कप्तान ध्रुव जुरैल को परमात्मा का सत्य परिचय देते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। झारखंड के हजारीबाग में सतयुगी राज दरबार, श्री लक्ष्मी नारायण समेत अनेक झांकियों का आयोजन। शिव और शंकर में भी दर्शाए महान अंतर। बिहार में हाजीपुर सेवा केंद्र द्वारा झांकी के साथ निकाली गई सुंदर रैली, पार्षद निकेत कुमार, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि मौजूद। झारखंड में डाल्टनगंज सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम, महाविद्यालय के प्राचार्य राणा प्रताप सिंह ने परमात्मा शिव अवतरण की दी जानकारी। गुमला के जिला कारागार में कैदियों को राजयोग द्वारा श्रेष्ठ संस्कार बनाने की दी गई प्रेरणा।
कर्नाटक के चिकमंगलूर सेवा केंद्र के द्वारा अमृत शहर शिव मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन। वहीं बोला रामेश्वर शिव मंदिर में 3D शिवलिंग रहा आकर्षण का केंद्र। विजयपुर के महाबलेश्वर कॉलोनी में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा, श्री शंकरानंद महास्वामी, जिलाधिकारी वाईएस पाटिल समेत अनेक विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न। चेन्नई के रतन बाजार में सजाई गई झांकी का विधायक शेखर बाबू समेत अनेक अतिथियों ने किया उद्घाटन। त्रिपुरा के धर्मानगर सेवा केंद्र के द्वारा कार्यक्रम के साथ शिवशंकर के अंतर का संदेश देती झांकी भी सजाई। मध्य प्रदेश के धार में CSP संजय मूले समेत अन्य अतिथियों ने संस्था के कार्यों को सराहा। चंडीगढ़ सेक्टर 37A में जस्टिस नमिता सिंह गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल के प्राचार्य शकुंतला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रम्मी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न। वहीं पंजाब के गिदड़बाहा में पूर्व विधायक रघुवीर सिंह बीके शीला ने दी शुभकामनाएं। शोभा यात्रा द्वारा दिया ईश्वरीय संदेश। हरियाणा के होटल में अतिथियों को श्री कृष्ण की तस्वीर भेंट कर उनके समान बनने का किया आह्वान। हरियाणा के नरवाना सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बीके सीमा और बीके सुषमा ने मन को नियंत्रण में करने के लिए राजयोग को बताया जरूरी। पंजाब के जैतू में ऑयल फैक्ट्री के ओनर भीम सेन जिंदल, फरीदकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, कोटकपूरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता, बीके दीपाली ने स्व परिवर्तन की कही बात। हरियाणा के रोहतक में भी कार्यक्रम के साथ निकाली गई रैली। उत्तराखंड के कोटद्वार में चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से दिया ईश्वरी संदेश। महाराष्ट्र के अलीबाग में बीके भारती को विधायक महेंद्र डालवी ने समाज का गौरव अवार्ड का दिया सम्मान। कई कार्यक्रमों का आयोजन। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम और बीके पुष्पा ने बुराइयों को छोड़ने की अपील। हरियाणा के तोशाम सेवा केंद्र के द्वारा राजयोग भवन कैरू भूटाना और शिवानी रोड गीता पाठशाला में कई कार्यक्रमों का आयोजन। बीके मंजू, बीके शोभा और बीके चंद्रकला ने बीके सदस्यों से श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने का किया आह्वान। कानपुर के कल्याणपुर में भव्य कार्यक्रम। बिलहौर के विधायक भगवती सागर, पूर्व श्रम आयुक्त राम बहादुर सिंह, लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, कल्याणपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा, वरिष्ठ राज्य प्रशिक्षक बीके प्रकाश ने राम राज्य लाने के लिए श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि और कर्म करने का किया आह्वान। 40 फीट ऊंचा शिवलिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग रहे आकर्षण का केंद्र। हजारों भक्तों ने किया अवलोकन। ऐसे देशों में हमारी भारतवर्ष की, ऐसा भारतवर्ष दुनिया में कोई संस्था मुझे देखने को, इतनी पवित्र संस्था देखने को नहीं मिलती है। प्रयागराज के सुराव स्थित ज्ञान सूर्य संग्रहालय में सबजोन प्रभारी बीके मनोरमा ने की शिरकत। कई विशिष्ट लोग रहे मौजूद। सभी ने दिव्य गुणों से जीवन को श्रृंगारित करने का लिया संकल्प। महाराष्ट्र के पिंपलनेर में सजाई गई 12 ज्योतिर्लिंग की सुंदर झांकी। बीके शीला, बीके सुनंदा समेत अनेक अतिथियों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न। दिल्ली के उत्तम नगर और जयपुर के सांगानेर सेवा केंद्र द्वारा लोगों को परमात्मा अवतरण का दिया गया संदेश। पंजाब के पठानकोट में आध्यात्मिक कार्यक्रम। नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष विभूति शर्मा, पूर्व पार्षद कमल महाजन ने शांति व सद्भाव को बढ़ावा देने वाले ब्रह्म कुमारी संस्थान के कार्यों को सराहा। झारखंड में गुमला के तपकरा में नवनिर्वाचित पंचायत के कार्यकारिणी सदस्यों के द्वारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम। ब्रह्म कुमारी को किया गया आमंत्रित। बीके बहनों ने ईश्वरी सौगात भेंट करते हुए समाज उत्थान के कार्यों की दी प्रेरणा। वहीं तपकरा के गीता पाठशाला द्वारा शिव संदेश देने के लिए निकाली गई मनोरम झांकी। लोहरदगा में बाल कल्याण समिति के राजकुमार वर्मा, गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने ईश्वरी ज्ञान को जीवन में धारण करने की दी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग के आनंद सरोवर में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा ने शिव और शंकर के महान अंतर के बारे में दी जानकारी। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित। राज्य में लगे पुन्नी मेले में ब्रह्म कुमारी द्वारा सजाई गई झांकी रही मुख्य आकर्षण। हजारों भक्तों ने किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के राजिम सेवा केंद्र पर इंदौर से आए बीके नारायण ने जीवन में चिंताओं से मुक्त होने के लिए परमात्मा को अपना साथी बनाने का किया आह्वान। ORC से आए बीके लाला सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा ने दी शुभकामनाएं। पुन्नी मेले में चल रहे संत समागम में बीके नारायण ने किया संबोधित। राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को भेंट की ईश्वरी सौगात।
माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। 15 मिनट में 50 खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।